अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ये रिंग लाइट का रिव्यू शेयर करूँगी जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी। ये इसकी इनर पैकेजिंग है, मतलब कि इसके बॉक्स है जिसमें ये आई थी। ये बॉक्स की हालत कुछ अच्छी ही नहीं थी, इस तरह से पुराना बॉक्स लग रहा था काफ़ी, जैसे रिंग लाइट भी पुरानी हो इसके अंदर। और ये था जो स्टैंड का सारा बॉक्स, ये भी काफ़ी डैमेज हुआ था, लेकिन इसके अंदर चीज़ें बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई थी। इसकी इनर पैकेजिंग ये इस तरह थी, लेकिन आउटर पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी। उसकी पिक्चर ये मैंने अटैच की है। देन उसके बाद ये था स्टैंड, ये काफ़ी अच्छा था, कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ था, बिल्कुल अच्छी, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद ये स्टैंड को कुछ एडजस्ट करने के बाद, इस तरह नीचे से खोलने के बाद, ये कुछ इस तरह का लग रहा था, काफ़ी आराम से सेट हो गया था, कोई मुश्किल नहीं आई थी इसको खोलने में। देन उसके बाद ये 7 फीट का स्टैंड था, तो ये काफ़ी लंबा था। उसके बाद ये रिंग लाइट आ जाती है। रिंग लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। 3 डिफरेंट मूड्स थे इसके अंदर जो देन उसके बाद नॉर्मल लाइट ऑन करके ये सारी ओवरऑल कुछ इस तरह की लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद लाइट ऑफ करके भी इसका व्यू देखा, ये देखें लाइट ऑफ करके भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके साथ ये मोबाइल होल्डर भी मिला था, और ये सारा अलग अलग था, ये खुद जोड़ के इस तरह से एडजस्ट किया है इसको। इसके बाद यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे लगाने के बाद कुछ थोड़ा सा एडजस्ट किया, और ये कुछ इस तरह का लग रहा था। बहुत ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद मूड्स की बात कर लेते हैं, तो ये ऑन ऑफ बटन रहा इसका। देन उसके बाद ये है लाइट, काफ़ी ज़्यादा डिम हो जाती है, टाइम प्रेस करने पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। देन उसके बाद ये प्लस का था बटन, इससे भी सेम 5 टाइम प्रेस करने पे लाइट दोबारा तेज़ हो जाती है। आप लाइट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। उसके बाद इस बटन से आप इसके मूड चेंज कर सकते हैं। इसमें 3 मूड है, फर्स्ट, सेकंड थोड़ा डार्क, देन एंड थर्ड वन जोन सा है वो वाइट शेड है, ये देख सकते हैं आप। ये भी आप अपनी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी लाइट अच्छी लग रही है। देन उसके बाद ये मोबाइल लगा के देखा कि मोबाइल अच्छी तरह होल्ड हो रहा है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छी तरह होल्ड हो रहा है। मैं अभी ये साइड से भी आपको दिखाऊंगी, ये देखें साइड से भी काफ़ी अच्छी तरह इसने होल्ड किया हुआ है, लाइट का कोई खतरा नहीं था। लेकिन ये स्टैंड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था, बहुत ज़्यादा। इसके बाद ये जो मोबाइल होल्डर था ये भी बहुत ज़्यादा टाइट था, ये इजीली मूव नहीं हो रहा था। इसके अलावा इसकी ओवरऑल नहीं था, इसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छी और मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।